हाँ जी बच्चों नमस्कार। ठीक है बच्चों, असी चैप्टर कर रहे हैं डेरिवेटिव। ठीक है, क्लास प्लस टू। चलो बच्चों, मैं पहले भी 3 लेक्चर अपलोड कर चुका। ठीक है, तो बच्चों पहले लेक्चर असी सिर्फ सीखे सीगे फार्मूले। ठीक है, डेरिवेटिव दे सिंपल। फिर बच्चों सेकंड और थर्ड लेक्चर, सेकंड लेक्चर बच्चों मैं थोनों ये दस्या सीगा भी किद्दां तुसी चेन रूल अप्लाई करना, किद्दां तुसी चेन रूल अप्लाई करना। तो बच्चों सेकंड लेक्चर च ते थर्ड लेक्चर च बच्चों असी कुछ क्वेश्चन किए सीगे। ठीक है, हुण बच्चों अज असी ना थोनों दसांगे बच्चों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दा डेरीवेटिव, तो बच्चों उहदे च किद्दां चेन रूल आपां अप्लाई करना। ठीक है, ओके जी। नंबर वन, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, देन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स। थानू बच्चों पता ही है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ओके, क्लियर। तो सेकंड, इफ y इज इक्वल टू कोस एक्स, देन डी वाई ओवर डी एक्स इट इज इक्वल टू बच्चो माइनस साइन एक्स। ओके, नंबर थ्री, इफ वाई इज इक्वल टू बच्चो टेन एक्स, क्लियर, देन डी वाई ओवर डी एक्स इट इज इक्वल टू सीकंड स्केयर एक्स। नंबर फोर, इफ वाई इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स, मतलब कोट एक्स ना, ठीक है, देन डी वाई ओवर डी एक्स इट इज इक्वल टू माइनस कोसेकंट स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, नंबर फाइव, इफ वाई इज इक्वल टू सेकंट एक्स, देन ठीक है डी वाई ओवर डी एक्स इट इज इक्वल टू सेकंट एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो नंबर सिक्स बच्चों, इफ वाई इज इक्वल टू कोसेकंट एक्स, देन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू किना जी माइनस को सीकेंट एक्स को टेंजेंट एक्स। अच्छा बच्चों, ये अपने को सिक्स रेशियो का सानू पता, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स सीकेंट एक्स ते को सीकेंट एक्स। ठीक है जी बच्चों, हुण साइन एक्स की डिफरेंशिएशन बच्चों कोस एक्स की माइनस साइन एक्स, सीकेंट एक्स की सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोसीकेंट एक्स दी माइनस कोसीकेंट एक्स कोट एक्स। बच्चों टेन एक्स दी हाँ सीकेंट स्केयर एक्स, तो कोट एक्स दी माइनस कोसीकेंट स्केयर एक्स। तो बच्चों एक गल नोट की, एक देखो गल नोट करने वाली है अपने को, देखो जी जेड़े भी टिकनोमैट्रिक फंक्शन को ना शुरू होंगे, जिदा को साइन को टेंजेंट ते को सीकेंट। देखो को साइन को टेंजेंट ते को सीकेंट, बच्चों उन्हां दे नाल हमेशा क्या बोलो जी, देखो नैगेटिव साइन लगता, देखो नैगेटिव साइन, मतलब यह है बच्चों जिन देखो साढ़े को बच्चों सिक्स रेशियोज है, साइन एक्स को साइन एक्स है ना, टेंजेंट एक्स को टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स ते को सीकेंट एक्स। बच्चों तीन रेशियो इदां दी आ जिन्हां नाल को नहीं लग्या, जिदा साइन एक्स टेंजेंट एक्स ते सीकेंट एक्स। बच्चों तीन रेशो इदा दियाँ जिन्हें ना को लग्या, को होंदिया बच्चों को रहा शुरू, को साइन एक्स को टेंजेंट एक्स ते को सीकेंट एक्स। तो जड़े जड़े बच्चों को ना शुरू होए ना सारे है ना, उन्होंने डेरीवेटिव नाल बच्चों नैगेटिव नाल आया, ख्याल रखियो। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल हो गया ना। ठीक है, हुण असीं ये देखना भी, देखो थोड़ा मैं दसी गल उत्थे पहले भी, भी जिदा देखो भी अपने को जिथे जिथे एक्स है, हुण सपोज करो हाउ यू कैन थिंक, पहली गल समझो। नंबर वन, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ एफ एक्स हो गई। मैं तुम्हें बच्चों पहले भी कहा था कि जिथे भी x आ गया ना उथे एफ एक्स आ सकता, एफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ x, हाँ ठीक है। देन बच्चों फिर देन के नाना, देन डी वाई ओवर डी एक्स। हुण तुसीं फिलहाल देखो भी साइन ऑफ एक्स का बच्चों कोस ऑफ एक्स हुंदा, इदां ही बच्चों साइन ऑफ एफ एक्स का बच्चों किना आना कोस ऑफ एफ एक्स आना, ये याद रखियो। पहली गल तां क्लीयर है, पर बच्चों नाल क्या आना, नाल क्या आना बच्चों साथ में आएगा डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स,
जो एंगल है दिस वन। हुण तुसी बोलोगे फिर उही गल भी पिछे तां तुसी अगे गए नहीं बच्चों, पहले भी अगे गए पर किसी नूं दिखाई नहीं दिता। किदां आ देखो एक्चुअली इत्थे एक्स सीगा, जे मैं साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कोस ऑफ एक्स लिखा तो बच्चों अगे एक्स की आनी डिफरेंशिएशन तो वो एक्स ना आनी, तो थानू पता बच्चों एक्स की डिफरेंशिएशन एक्स ना कितनी होंगी वन, तो लगाने की लोड़ ही नहीं। ठीक है क्लीयर। हूँ देखो बच्चों अगे नैक्सट, इफ वाई इज इक्वल टू हूँ कोस ऑफ एफ एक्स कोस ऑफ एफ एक्स, ठीक है क्लीयर, दैन डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों कि बोलो हूँ कोस ऑफ एक्स का बच्चों होंगे माइनस साइन ऑफ एक्स, बिल्कुल सेम पैटर्न आना इतने आना माइनस साइन ऑफ एफ एक्स ही है। ठीक है बच्चों, पर अगे क्या बोलवाना जी, इसी एफ एक्स की डिफरेंशिएशन, इसी एफ एक्स की डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो नंबर थ्री इफ वाई इज इक्वल टू हूँ देखो बच्चों टेन एक्स है, जिथे एक्स है उत्थे बच्चों कितना आ सकता एफ एक्स, बिल्कुल सही गल है किन्ना आ सकता उत्थे एफ एक्स बिल्कुल, तो बच्चों किन्ना आना दैन डी वाई ओवर डी एक्स। हुण तुहानू बच्चों पता भी टेन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होंगी, बोलो जी सीकेंट स्केयर एक्स, तो बच्चों टेन ऑफ एफ एक्स की कितनी आनी सीकेंट स्केयर, सीकेंट स्केयर एफ एक्स। क्या रुकना इत्थे नहीं, अगे क्या आना बोलो जी बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। ओके क्लियर जी। हूँ देखो नंबर फोर इफ वाई इज इक्वल टू कोट एक्स, हूँ इतने जिते एक्स है बच्चों उत्थे कितना आ गया एफ एक्स, क्या समस्या। ओके क्लियर, दैन हाँ जी बोलो वो शाबाश बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स, हूँ कोटेंजेंट एफ एक्स की कितनी होंगी बोलो जी माइनस कोसीकेंट स्केयर एक्स, कोई गल नहीं यह आना माइनस कोसीकेंट स्केयर एफ एक्स, तो बच्चों अगे क्या आना बोलो जी एफ एक्स की डिफरेंशिएशन। ठीक है, नंबर बच्चों फाइव इफ वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, किन्ना जी सीकेंट एक्स, तो जिते बच्चों एक्स है उत्थे कितना आ गया एफ एक्स, वट इज एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। ओके क्लियर, दैन डी वाई ओवर डी एक्स। हूँ देखो सीकेंट एक्स का बच्चों सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो बच्चों किन्ना जरा यह आ गया अपने को सीकेंट हाँ जी एफ एक्स टेन, हाँ जी बोलो जी एफ एक्स टेन टेंजेंट मतलब एफ एक्स, ठीक है टेंजेंट एफ एक्स। क्या आप इतने रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे बच्चों, अगे क्या आना डिफरेंशिएशन ऑफ किन्नी बोलो जी एफ एक्स। हूँ देखो बच्चों अगे नंबर सिक्स इफ वाई इज इक्वल टू हाँ जी कोसीकेंट, जिथे बच्चों एक्स है उत्थे कितना आ गया एफ एक्स। हूँ सानू पता बच्चों कोसीकेंट एक्स का कितना जी माइनस कोसीकेंट एक्स कोट एक्स, कोई गल नहीं तो आप इतने भी है ना दैन चेंज कोई नहीं, जस्ट थोड़ी जी बच्चों मोडिफिकेशन है कोसीकेंट कितना जी एफ एक्स कोटेंजेंट एफ एक्स, अगे बोलो जी बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, को डाउट। ठीक है, ये बच्चों बिल्कुल सेम तरीके ना फॉर्मूले सारे, बस फर्क है भी पहले साइन एक्स का कोस एक्स सीगा हुण साइन ऑफ एफ एक्स का भी हुण भी कोस ऑफ एफ एक्स है, पर अगे बच्चों एफ एक्स की डिफरेंशिएशन। हुण कई पुछदे भी तुसी पिछे ने किया नहीं, मैं तुहानू बार बार कहिंदा कि बच्चों पिछे भी किया पर किसी नूं दिखाई नहीं दिता, क्यों बोलो जी ये एक्स है बच्चों अगे एक्स की डिफरेंशिएशन एक्स ना आनी तुसी बन लगाना ला लो कोई दिक्कत नहीं, पर फर्क पैना कोई फर्क नहीं पैना बच्चों। ओ हुण देखो नैक्सट, हुण पता क्या हुण मैं तुहानूं दसदा किदां क्वेश्चन आ सकदा, हुण देखो सपोज करो भी तुहानूं क्वेश्चन आ जिदा क्वेश्चन है ना भी डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट नंबर वन, पहले साइन एक्स था ना हूँ थोड़ा मान लो आ गया साइन एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। ओके ठीक है, नंबर टू इतने बच्चों आ गया टेन किन्ना जी ए एफ एक्स, कोई भी ले लो एफ एक्स कोई दिक्कत नहीं टेन ऑफ लोग एक्स ले लो शाबाश लोग एक्स। ठीक है, हूँ देखो आप इनू करना डिफरेंशिएट कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हाँ देखो नंबर वन लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्केयर
प्लस 3x प्लस 4। बच्चों ए बड़ी दिस दिस इज एफ एक्स, क्या है एफ एक्स, ए एफ एक्स का कम है। हूँ साइन ऑफ एफ एक्स बच्चों कितना होता, इट इज इक्वल टू कोस ऑफ एफ एक्स। ओके क्लियर, तो देयर फोर हूँ बोलो जी जे करा मैं डिफरेंशिएट बच्चों, देयर फोर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कोस ऑफ, हाँ जी बोलो कितना आना एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। क्या इतने रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना, क्यों, क्योंकि अगे के बच्चों क्या आना डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स दी कि जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अगे बच्चों तुसी तार रुकना जे अगली डिफरेंशिएशन बन होवे, जे बन नहीं ना है तो करो, हाँ जी ओके क्लियर। तो देयर फोर बच्चों कितना आ गया, देयर फोर डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों कितना आ गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। बच्चों ये डिफरेंशिएशन कितनी आई, हाँ देखो 2x प्लस 3। इतने जाके बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया अपना, ठीक है। हूँ मैं ये भी कर देना थोड़ा सैकंड क्वेश्चन, देखो सैकंड क्वेश्चन देखो आप इतने कर देने, हाँ देखो सैकंड क्वेश्चन क्या दिक्कत है, लैट y इज इक्वल टू टेन लोग एक्स, ठीक है जी। हूँ सानू पता बच्चों टेन एक्स का होंगे सीकेंड स्केयर एक्स, तो जो बच्चों टेन ऑफ एफ एक्स होना होंगे सीकेंड स्केयर एफ एक्स, अगे बच्चों क्या जी एफ एक्स की डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बच्चों एक थोड़ा किता काम कर रहा, बोलो शाबाश बच्चों, ये थोड़ा इतने क्या बोलो जी एफ एक्स है कि ना जी एफ एक्स, तो देयर फोर बच्चों देयर फोर डी वाई ओवर डी एक्स टेन का बच्चों कि आना सीकेंड स्केयर लोग एक्स, ये बच्चों टेन का फॉर्म लग गया अपना, ठीक है। पर अगे अगे क्या आना बोलो जी, अगे आना डिफरेंशिएशन ऑफ कि बोलो जी लोग एक्स दी, ठीक है। तो देयर फोर बच्चों कि आ गया अपने को डी वाई ओवर डी एक्स इट इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर लोग एक्स, बच्चों लोग एक्स की डिफरेंशिएशन तुम्हें पता एक्स कि जी वन बाय एक्स। अच्छा इस बच्चों इस लोग का बेस कि, हाँ हूँ तुम सही पछाणिया, मैं तुम्हें पहले भी कहा भी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इनडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रल किसी च भी जब डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, किसी च भी बच्चों लोग देखो तो उस लोग जे उसका बेस मैनशन नहीं किया तो बच्चों का बेस कि होंगे ई, तो बच्चों जिस भी लोग का बेस ई हो ना उन्होंने क्या बोलते नैचुरल लोग। हाँ जी बच्चों हूँ अब असी थोड़ा होर अगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं समझाने चंगी तरह, देखो पता क्या जिस भी परसन ये पहले चार लैक्चर आ गए ना फर्स्ट फोर लैक्चर, ठीक है, फोर्थ लैक्चर है, मैं ये दावे ना कहना बच्चों उन्हों सारा डेरिवेटिव आ गया, बस ये सीख लो। कल तो बच्चों अपना नैक्सट लैक्चर च पैरामीट्रिक क्वेश्चन शुरू कर देने, ठीक है। हाँ जी हूँ देखो क्वेश्चन, डिफरेंशिएटिंग फोलिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन लगा कराना बच्चों, साइन पहले एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों, दूसरा साइन दी पावर 6x, तो बच्चों तीसरा साइन दी पावर 6 ए एक्स क्यू, ये सीखना चंगी तरह। इतने बच्चों एंगल पावर नहीं है, इतने सिर्फ एंगल ठीक एफ एक्स है, इतने बच्चों पावर है, एंगल सिंपल है, तो इतने बच्चों पावर भी है तो एंगल भी फंक्शन ऑफ एक्स है, बस ये तीन सीख लो सब कुछ आ गया, ठीक है। हाँ जी बच्चों नंबर वन देखो, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, ठीक है। तो इतने बच्चों लगना फॉर्मूला साइन एक्स का ही है, थानू पता कि बोलो जी ये होंगे कोस एक्स, पर इतने बच्चों साइन एक्स की होने नालों साइन ऑफ एफ एक्स है कि बोलो आ गया जी, बोलो ये आएगा कोस ऑफ एफ एक्स। क्या आप इतने रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। तो बच्चों कितना आएगा नाल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इस गल का ख्याल रखियो।
ये पहले ही सोच लेना कि तुसी केड़ा फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी, तो देयर फोर बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स, कोई डाउट आ गया? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन ऑफ एफ एक्स किन्ना जी, कोस ऑफ एफ एक्स, रुकना नहीं, ठीक है। क्या आएगा बच्चों साथ में? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देयर फोर डी वाई ओवर डी एक्स, हूँ देखो बच्चों जी कोस एक्स क्यूब अगे कहना जी थ्री एक्स स्क्वायर, इतने रुकना, ओके क्लियर जी। ये अपना बच्चों जी साइन एक्स क्यूब की आ गई डिफरेंशिएशन, कोस ऑफ एक्स क्यूब तो इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये गल हो गया अपना क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हूँ देखो नंबर सेकेंड, ये सेकेंड क्वेश्चन, दिस वन, लेट y इज इक्वल टू साइन द पावर सिक्स एक्स। एक्चुअली बच्चों सही तरीके ना जो लिखी है ना तो एक्चुअली कितना होता, ये होता साइन x दी होल पावर सिक्स, बच्चों होल पावर सिक्स। हूँ थोड़ा लग्या होना पता कि क्या लगे बच्चों, इतने इतने बच्चों लग्या फार्मूला अपना, देखो x दी n का कितना होता, n x दी पावर n माइनस वन, ठीक है। पर बच्चों इतने एक्स नहीं है, इतने बच्चों कितना है एफ एक्स है, बिल्कुल हूँ थोड़ा पता एन एफ एक्स की पावर एन माइनस वन, ये सारा मैं सैकेंड लैक्चर च करवा दिता, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल करवा चुके बच्चों भाई सारे, ठीक है। तो जिन्हों कोई डाउट है वो पिछला लैक्चर देख सकता बच्चों, ठीक है। एन एफ एक्स की एन माइनस वन, तो अगे बच्चों एफ एक्स की क्या बोलो जी डिफरेंशिएशन। हूँ तुम बोलो इतने अगे गए नहीं, बिल्कुल गए, पर किसी को दिखाई नहीं दिता, क्यों? क्योंकि अगे बच्चों एक्स की डिफरेंशिएशन एक्स ना कहते बोलो जी बन आनी लगाने की लोड़ ही नहीं, ठीक है। हूँ देखो देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स सिक्स, हाँ जी बोलो जी साइन एक्स की पावर सिक्स माइनस वन, ठीक है। जाकर उस लिख लो बच्चों फाइव गल लिखो जी, ठीक है, थोड़ा पता इन्ना इन्ना था। अगे बच्चों कितना जी नेक्स्ट, अगे जो एफ एक्स है उदी बोलो जी क्या जी डिफरेंशिएशन कि जी साइन एक्स, तो देयर फोर बच्चों कितना आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, हाँ जी सिक्स साइन एक्स की पावर फाइव, अगे बच्चों साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कि जी कोस एक्स, अगे बच्चों एक्स की कि बनना नहीं लगाने की लोड़ ही नहीं। हूँ देखो देयर फोर कि बच्चों आ गया जी, आप लिखा इदा डी वाई ओवर डी एक्स सिक्स साइन फाइव एक्स इंटू कोस एक्स, हूँ क्लियर जी गल, ये भी हो गया अपना भी हो गया। हूँ देखो पावर भी है तो एंगल भी एक्स नहीं एफ एक्स है, किदा करना मैं तुम दसदा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो नंबर फोर, नंबर थ्री, लेट ठीक है तो साइन, बच्चों एक गल ख्याल रखो, ये ना सोचो कि मैं थोनों मैथ पढ़ा रहा, बिल्कुल नहीं, थोनों बच्चों मैं मैथ सिखा रहा, इस गल का ख्याल रखियो। मैं मैथ पढ़ा नहीं आया बच्चों, बिल्कुल नहीं, सिखाना आया, सिखा के ही जाऊँगा, ठीक है। हूँ देखो साइन सिक्स एक्स क्यूब, ओके क्लियर। हाँ जी हूँ देखो बच्चों पता कि करना क्या, हूँ तुम देखो पहले पहले ना तुम ये देखो साइन नहीं है, एक्चुअली सही तरीके ने जो लिखी है बच्चों ये साइन एक्स क्यूब यदि होल पावर सिक्स है। हाँ हूँ थोड़ा लगे पता, सब तो पहले फार्मूला बच्चों लगेगा एक्स की पावर एन का किन्ना जी एन एक्स की पावर एन माइनस, हाँ जी बच्चों ये बच्चों इतने लगे फार्मूला एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। पर इतने एक्स नहीं है, इतने सही मैंने है कि बोलो जी इतने बच्चों एफ एक्स है, एफ एक्स की पावर एन एन एफ एक्स की पावर एन माइनस वन, अगे बच्चों थोड़ा पता डाल के आना डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। हूँ देखो जी बच्चों ध्यान नाल, देयर फोर डी वाई ओवर डी एक्स, हाँ जी बोलो जी कि जी सिक्स साइन एक्स क्यूब दी पावर फाइव, लगे जी ये बच्चों अपना पूरा एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स, क्या अगे बोलो आना जी अगे आना डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब।
ओके क्लियर जी। हूँ बच्चों ये ठीक है, पहला तो हो गया अपने को, ठीक है। तो देयर फोर कोई समस्या नहीं बच्चों इत तक, देयर फोर सिक्स क्लियर। हाँ जी एक्स सॉरी सिक्स कितना बच्चों जी साइन एक्स क्यूब द पावर फाइव, अगे बोलो जी कोस साइन द, हूँ साइन ऑफ एक्स का होंगे कोस ऑफ एक्स, पर बच्चों ये लग्या साइन ऑफ एफ एक्स का, कोस ऑफ एफ एक्स अगे बच्चों एफ एक्स की डिफरेंशिएशन। आ देखो कोस ऑफ एक्स क्यू अगे बोलो जी डिफरेंशिएशन ऑफ कि बोलो जी एक्स क्यू की। देखो पहले लग्या एफ एक्स की एन का फॉर्मूला, एन एफ एक्स की एन माइनस वन, अगे बच्चों एफ एक्स की डिफरेंशिएशन, ये साइन ऑफ एक्स क्यूब है एक्चुअली साइन ऑफ एफ एक्स है, तो बच्चों इधर डिफरेंशिएशन कितनी आनी बोलो जी साइन ऑफ एफ एक्स की डिफरेंशिएशन कोस ऑफ एफ एक्स, पर रुकना नहीं अगे एफ एक्स की बोलो जी क्या है डिफरेंशिएशन एक्स क्यू की, ठीक है। तो देयर फोर बच्चों कितना आ गया, देयर फोर डी वाई ओवर डी एक्स इट इज इक्वल टू सिक्स, हाँ जी साइन ये बच्चों फाइव इतने आ जाना फाइव एक्स क्यू, हाँ जी कोस ऑफ एक्स क्यू अगे बच्चों एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितनी जी थ्री एक्स के, ये बच्चों अपने को आया। हूँ पता क्या देखो पहले सिर्फ साइन ऑफ एंगल था, फिर अगे कितना बोलो जी साइन एक्स की पावर सिक्स सी, फिर बच्चों पावर भी सी तो नाल एंगल भी सीगा। बच्चों तुम्हें एक तरीका दसदा तुम ना एक याद रखना तुम्हें तरीका दसदा ठीक है चंगी तरह, फिर तुम एक बल्ड याद रखियो तो मैं दसदा बल्ड क्या है इतों लिख लगा बच्चों मैं तुम जो याद रखना ठीक है वह बच्चों अपने को है पी टी ए ठीक है, थोड़ा काफ़ी पता ये उदा मतलब ये नहीं है भी पेरेंट टीचर एसोसीएशन गलत है ठीक है एक्चुअली थोड़ा दसा मतलब क्या बल्ड याद रखो पहले पी टी ए, जे तुम बच्चों याद रखे ना बल्ड थोड़ी ये डिफरेंशिएशन आराम ना हो जानी कोई दिक्कत नहीं आनी, तो मैं दसदा कि हूँ देखो तुम क्या करना क्या जिदा क्वेश्चन है मान लो भी साइन डिफरेंशिएट कोस सेवन थ्री एक्स के प्लस फोर इनू करें डिफरेंशिएशन ठीक है अपना ठीक है विद रिस्पैक्ट टू एक्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स तुम बच्चों क्या करना आ देखियो लेट y इज इक्वल टू कोस सेवन थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर तुम बच्चों लिखो इदा कोस थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर। बच्चे कई बार कन्फ्यूज हो जाते कि पहले हल के करना पावर के साइन के एंगल, तो बच्चों ये लिखा मैं पी टी ए पी फार बच्चों पावर टी फार बच्चों क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिल्कुल। अगे बच्चों ए फार हूँ तुम समझ गए होने ए फार एंगल, एंगल की बारी बाद चो आनी सब तो पहले बच्चों तुम पावर का लगाना फार्मूला, फिर बच्चों लगाना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला, तो बच्चों फिर लगानी क्या कर ली बोलो जी फिर तुम लगाना डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। आ देखो हूँ पहले पावर ये पावर है पहले बच्चों पावर आ देखो पावर सैवन है पावर मतलब पहले लगावेंगे आप एक्स की पावर एन का फार्मूला ठीक है, फिर बच्चों आप लगावेंगे क्या ला कोस एक्स की डिफरेंशिएशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन, तो बच्चों उस तो बाद बारी आनी कि बोलो जी एंगल की, यही तरीका पी टी ते ए पी फार पावर टी फार ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस एंड ए फार एंगल, सब तो पहले बच्चों पावर हल होनी ओके ठीक है। हुण देखो ना ए इत्थे पावर सीगी नहीं आ देखो नहीं सीगी पहले पावर इस केस पावर नहीं सीगी तो आप कि बारी आई बोलो जी साइन दी साइन हल किया डिफरेंशिएशन कोस अगे बच्चों एंगल दी। हुण देखो नैक्सट क्वेश्चन पावर सीगी क्या बोलो पावर सीगी पहले मैं पावर ही हल की हाँ देखो एक्स की पावर एन लगाया फॉर्मूला सिक्स साइन एक्स की पावर फाइव बच्चों बाद चो बारी की आई भला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन एक्स की क्या बोलो जी कोस एक्स अगे एंगल का अगे बच्चों एंगल सी एक्स तो डिफरेंशिएशन बोलो कि नहीं बनना लगा की लोड़ ही नहीं। आ देखो इस क्वेश्चन बच्चों पावर भी है
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है ते नाले एंगल भी है। पहले बच्चों पावर हल की देखो सिक्स साइन एक्स क्यूब की पावर फाइव, उस तो बाद बच्चों टर्न आई कि बोलो जी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दी साइन एक्स दी। आ देखो साइन एक्स ओके साइन का लगाया बच्चों फार्मूला कोस एक्स क्यूब, तो बाद चो बच्चों बारी आई एक्स क्यूब की, अगे बच्चों एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन, पहले पावर फार्मूला फिर बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन, तो बाद चो बच्चों एंगल की क्या जी डिफरेंशिएशन। इसी सीक्वेंस में जाना, जे मतलब पावर नहीं है तो तुम आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक पर ओके, जे मतलब स्पोर करो पावर हैगी है ओके क्लियर ठीक है, एंगल नहीं है एंगल मतलब कल कल एक्स है कोई लोड नहीं होती ठीक है, सब तो पहले बच्चों पावर च ठीक है, जे पावर नहीं है जिदा इस केस पावर नहीं सी तो आप सीधे कितने आ गए बोलो जी ट्रिग्नोमेट्रिक्स ओके, तो उस तो बाद क्या बोलो जी एंगल, क्या समस्या बच्चों ठीक है। इतने बच्चों देखो इस क्वेश्चन पावर सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, अगे एंगल एक्स है, जे एक्स की डिफरेंशिएशन एक्स ना होंगी बन है वो लिखने की लोड़ नहीं पड़ती बच्चों ठीक है। हूँ देखो क्या करोगे बोलो जी देयरफोर, हाँ देखो देयरफोर डी वाई ओवर डी एक्स, हूँ देखो बच्चों कि आएगा पहले बच्चों सैवन ठीक है नीचे कोस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर इहदी पावर सिक्स आ गया सिक्स, अगे बच्चों क्या जी डिफरेंशिएशन ऑफ कि बोलो जी कोस हाँ जी कि जी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर लो जी ठीक है बच्चों कोई डाउट, हाँ जी हूँ देयर फोर बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स ठीक है क्लियर सेवन हाँ जी कोस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर हाँ जी दी पावर सिक्स, हाँ जी बच्चों ठीक है ये आ गया आगे बच्चों कोस एक्स की डिफरेंशिएशन बोलो कि आनी माइनस साइन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, हूँ बच्चों ए इस एफ एक्स की अगे बच्चों आनी डिफरेंशिएशन, हूँ ये कि बच्चों आना जी ये आना सिक्स एक्स अगे बच्चों फोर दी जीरो, हूँ देखो जी देयर फोर बच्चों कि आ गया अपने को देयर फोर डी वाई ओवर डी एक्स इट इज इक्वल टू सैवन, देखो नैगेटिव तो बच्चों आ ही गया माइनस लगाता बच्चों पर इतने कि जी ये अपने को आ गया कोस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो बच्चों इतने सिक्स आ गया ठीक है कि आ गया बोलो जी साइन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू बच्चों कि आ गया सिक्स एक्स। हूँ बच्चों थोड़ा मैं एक तरीका दसिया भी जो थोड़े को बच्चों पावर भी हो ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो एंगल भी हो तो तुसी इसी सीक्वेंस बच्चों लगाना, पहले लगानी लगाना बच्चों जिदा इस केस पहले लगाया बच्चों आप पावर फार्मूला उ एक्स की पावर एन का ठीक है, उस तो बाद बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दी डिफरेंशिएशन, तो उस तो बाद बच्चों आप कि एंगल दी ठीक है बच्चों। मैं आस करदा बच्चों थोड़ा मेरा लैक्चर ये समझ आया होगा ठीक है, थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे बच्चों, जे थोड़ा बाकी मेरा लैक्चर बच्चों पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल में करो बच्चों सबसक्राइब, तो नीचे कमेंट सैक्शन बच्चों कमेंट करके जरूर दस्यो भी थोड़ा लैक्चर किदा लग्या, थैंक यू सो मच बच्चों।